हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने आपने चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए। आज हम इसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलीनोमियल बहुपद। सबसे पहले बहुपद होता क्या है? बहुपद से पहले देखेंगे हम दो चीजें, चर और अचर। चर राशियां होती है एक्स वाई जेड टी, इस प्रकार से मान। अचर राशियां एक दो तीन चार, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू। अगर चर और अचर का मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होता है हमारे पास? बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? चर और अचर से मिलकर बनता है। जैसे x प्लस वन, ये क्या हो गया एक बहुपद, या 2x, ये भी बहुपद, 3y, या 2z प्लस 3, या 2z प्लस 3, तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? बहुपद। अब इसमें आते हैं बहुपद रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय बहुपद। आपके सिलेबस में इतने रैखिक बहुपद कौन सा होगा जिसमें चर राशि की उच्चतम घात एक होगी? चर राशि की उच्चतम घात एक होगी, चर राशि की उच्चतम घात एक होगी रैखिक, दो होगी द्विघातीय और तीन होगी त्रिघातीय। जैसे यहां पर ये फंक्शन हमारे पास 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसमें x की घात कितनी है? 1। चर राशि की घात कितनी है? 1। तो जो चर राशि की उच्चतम घात होती है, ठीक है, वो एक बहुपद की घात होती है। चर राशि की उच्चतम घात, चर राशि की उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है। अब जैसे कि अब हमारा 2x स्क्वायर प्लस y, यहाँ इस तरीके 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 3, तो इसमें चर राशि तो एक ही है y, इसकी उच्चतम घात कितनी है? 2। तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी? 2। एक द्विघातीय बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं, द्विघातीय का अधिकतम दो शून्यक, त्रिघातीय का अधिकतम तीन शून्यक हो सकते हैं। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हमें कोई भी फंक्शन दिया है, जैसे ये दिया fx इक्वल ax प्लस, तो जो वैल्यू रखने पर x का जो भी इसमें मान रखेंगे जिस पर ये क्या हो? शून्य है। x की जो वैल्यू रखने पर ये फंक्शन हमारा शून्य हो, वो ही उसके क्या होते हैं? शून्य। शून्य ज्ञात कैसे करते हैं? फंक्शन को किसके इक्वल रखेंगे? जीरो। फंक्शन को किसके इक्वल रखेंगे? जीरो। तो इसके शून्य में इस प्रकार से ज्ञात करें। अब इसमें शून्य को जैसे ये दिया हमें द्विघात समीकरण, तो उसमें शून्यकों का योग और गुणनफल इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे हमें द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c, ये कोई हमें द्विघात समीकरण दिए, इसके शून्यकों का योग याद करना होगा। शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस गुणांक जो उसके गुणा मिलता है, जैसे एक्स का गुणांक, तो एक्स के गुणा में क्या है? बी। यहां माइनस तो बहुत लिखे है, तो बी अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में यहां पर क्या है? बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस बी अपॉन बी। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना, तो अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद इसमें हमें क्या दिया? एस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? बी। तो ये क्या बन गया? सी अपॉन में। इस प्रकार से द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करो। जैसे हमें कोई देर का इसमें बहुपद में ये 3x² + 5x, फॉर एग्जांपल ये हमें बहुपद दे रखा है, इसके अगर हमें बोले कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। शून्यक ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले इसको फंक्शन मान लिया हमने fx। शून्य ज्ञात करने के लिए आप फंक्शन को जीरो के इक्वल रखोगे, तो fx इक्वल जीरो।
तो 3x² प्लस 12x इक्वल में 0। यहां से कॉमन ले तो 3x कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 4 इक्वल में 0। तो यहां से 3x इक्वल 0, तो x इक्वल 0/3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0। दूसरा इसमें बहुपद निकालें, इसका शून्य निकालें, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसके अधिकतम दो ही शून्य होंगे। तो x प्लस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 2। शून्यकों का योग करते हैं, तो शून्यकों का योग इक्वल में 0 प्लस माइनस का 4, तो 0 माइनस 4, तो ये कितना आ गया? माइनस की 4। इसका प्रूवमेंट करें फॉर्मूले से, तो क्या आता है? माइनस एक्स का गुणा अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणा, माइनस एक्स का गुणा अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणा। तो माइनस एक्स का गुणा में यहां पर एक्स के गुणा में कितना दिया है? 12। तो माइनस 12 अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणा, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना दिया है? 3। तो माइनस 12/3, तो कितना आ गया? माइनस के 4। तो ये हमारा प्रूवमेंट हो गया फॉर्मूले से भी, और इसकी वैल्यू निकालिए उसका भी। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल की बात करें तो यहां पर ये पहला हमारे पास है 0 × -4, तो ये कितना आ गया? 0। फॉर्मूले की बात करें तो अचर पद, अचर पद इसमें नहीं है, तो कितना मान के चलेंगे? 0 अपॉन में x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है? 3। तो 0/3, ये कितना है? 0। इस प्रकार से इनका प्रूवमेंट करोगे, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करोगे। अब इसमें यदि एक फॉर्मूला और होगा, इसमें 3.1 में यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया, यदि शून्यकों का योग तथा उनका गुणनफल दिया हो, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद। इस फॉर्मूले से ज्ञात करोगे, क्या लिखोगे? k × x² − 0 का योग × x प्लस शून्यकों का गुणनफल, प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला इसमें काम में लेंगे, k × x² − 0 का योग × x प्लस शून्य का गुणनफल, यदि हमें योग और उनका गुणनफल दिया हो, तो ये फॉर्मूला काम लेंगे। यहां k क्या होगी? वास्तविक संख्या। k क्या होगा? रियल नंबर, यहां वास्तविक। तो ये इसका 3.1 का बेसिक था। इसके क्वेश्चन हम 3.1 के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।